अबोहर के गांव तेलुपुरा में किसान के नरमे पर गुलाबी सुंडी का अटैक, खेतीबाड़ी विभाग को भेजी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आरवी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। अबोहर के गांव तेलुपुरा में एक किसान की नरमे की फसल पर गुलाबी सुंडी का हमला होने से उसकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे और फसल का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार यहां के निवासी सतदेव पुत्र गोपीराम सोखल ने बताया कि उसने गांव के ही जिम्मेदार राजकुमार बजाज से 8 किले जमीन 42,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर लेकर नरमे की बिजाई की है। अभी नरमा करीब 1.5 से 2 फुट का हुआ है और उस पर गुलाबी सूंडी का हमला होने के साथ ही हरी सूंडी व पत्ता लपेट ने भी नरमे को चपेट में ले लिया है, जबकि वो इससे पहले 2 स्प्रे नरमे की फसल पर कर चुका है। उसने बताया कि अब नरमे की फसल पर फूल गुड्डी बननी शुरू हुई थी कि गुलाबी सुंडी के अटैक से फसल खराब होना शुरू हो गई, जिससे उसको लाखों रुपए का नुकसान होगा। पीड़ित ने बताया कि पिछले साल भी उसकी नरमे की फसल सफेद मक्खी के कारण खराब हो गई थी। इधर किसान ने इस बात की सूचना कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह को फोन पर दे दी है, जिन्होंने रविवार को अवकाश होने के बाद भी कुछ ही देर में वे खेत में पहुंचे और मौके का मुआयना किया। गगनदीप सिंह ने बताया कि उक्त किसान की फसल पर गुलाबी सूंडी का हमला देखने को मिल रहा है, जबकि इस पर हरा तेले और सफेद मच्छर का अभी इतना अटैक नहीं है। उन्होंने किसान को कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिश की गई कीटनाशक दवाओं प्रोक्लेट, अबॉट और इथियान करने की सलाह दी है और कहा कि किसान नरमे की फसल में पानी लगाते रहें। उन्होंने बताया कि गुलाबी सूंडी का अधिकतर हमला नरमे की अगली फसल पर देखने को मिल रहा है। अबोहर से आरबी लाइव मीडिया के लिए अंशुमन गगनेजा की रिपोर्ट। पवन कुमार है जी, गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक है जी। इस भरा ने ठेके लिए जमीन जी, मेरे को भी नरमा आपका खुद है जी, उनके जी बहुत ज़्यादा अटैक है जी। सरकार को अपील है कि सरकारी टीमां भेज के इनका वध तो वध कोई इलाज दस्या जाए जी। किन्ने एकड़ गुलाबी सुंडी पई है? लगभग सारे एरिए गए जी। कोई सरकारी टीम आई है? कोई टीम नहीं आई जी सरकारी जी। इस भरा ने भी ठेके लिए, इनके को थोड़ी जानकारी लो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मसला इस तरह है जी, गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक है। पिछले गेड़े सानू चिट्टी मक्खी का अटैक सी, तो इस बार गुलाबी सुंडी का जी। असी दूजे अपने स्प्रेवां भी कर चुके हैं, प्रोगलन स्प्रे की, उसका सानू कोई रिजल्ट नहीं मिले जी। मंग की करते हो? मंग ही सानू इसका कोई ना कोई इलाज दस्या जाए, स्प्रेवां दित्तियां जाण सानू, स्प्रेयां कराइयां रह जाण जी। किन्नी है जी गुलाबी सुंडी का अटैक? बहुत ज़्यादा अटैक, हरेक फुल दे विच अटैक है जी गुलाबी सुंडी का। देव है जी नाम, पिंड तेलुपरा जी, अबोर का वासी हाँ जी। मेरे खेत अज मैं सवेरे गेड़ा मारन आया तो वेख्या गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक है जी। सरकार तो मंग करते हैं भी सरकारी टीम भेज के गुलाबी सुंडी तो हरी सुंडी का बचाव लई टीम भेजी जाए, तो इनका उपाय दसिया जाए, तो कोई वधिया दवाई दिती जाए। पिछले साल असी नरमे की फसल नहीं चक पाए, क्योंकि पिछली बारी चिट्टी मक्खी का तो गुलाबी सुंडी का कुछ पीछे जाके अटैक हो गया, उस करके फसल बर्बाद हो गई। ऐतकी मैं 10 किले ठेके ले बैठा, जे ऐतकी भी ना हुई तो असी रगड़े जावे। इसलिए सरकार तो मंग करते हैं सरकारी टीम भेज के तो वधिया दवाई का सानू दस्या जाए, तो इनका उपचार किया जाए जी। किन्नी गुलाबी गुलाबी सुंडी का ऐतकी बहुत ज़्यादा अटैक हो गया जी, तो शुरुआत ही है जी, हले तो बहुत लंबा टाइम पे है। जे हुणे स्प्रे करन लग गए तो स्प्रे च ही पैसे पूरे हो जाएंगे, फसल तो लगता इस तरीके नाल होनी नहीं। फिर गल जी, सब तो पहला सारे नूं मैं गगनदीप एडीओ खेतीबाड़ी विभाग तो, मेरी ड्यूटी लोकल इत्थे खुईयां सरवर दे विच ही है, जिदे च 10 पिंड आउंदे है। ये सर्वे असी जिहड़ा डेली कर रहे हैं गुलाबी सुंडी दे रिलेटेड, पिछले 10-15 दिनों तो सानू नोटिस दे विच आया कि अगेते नरमे जिहड़े भी है जिन्हां दे विच की है फुल फलाका आ गया, उन्हां दे विच सुंडी दा जिहड़ा उह अटैक सानू मिलिया, जिहदे रिगार्डिंग असी की है अपने उच्च अधिकारियों नू इनफॉर्म कीता होया, जिहदे बाबत उन्हां वल्लों भी एडवाइजरी जारी कर दित्ती गई है, ते जिहड़ी भी साडी VC वगैरह हुंदी आ उहदे विच भी असी इनफॉर्म करता सी। जिहड़ी एडवाइजरी आ उह साडे चीफ साहिबान वल्लों भी जिहड़ी है DPRO फाजिलका दे पेज दे उपर आ गई है, जिहदे विच की है शुरुआती अवस्था दे विच जिहड़ियां 4 स्प्रेयां दी जिहड़ी रिकमेंडेशनस दित्ती गई है, जिहदे च पहली जिहड़ी स्प्रे आ उह है इमामेक्टिन बेंजोएट प्रोक्लैम दे नाम तो, जिहड़ी आपां जाणदे हां 100 ग्राम एक एकड़ दे हिसाब नाल। दूजी है प्रोफेनोफास 500 ml, अवांट 200 ml, ते नाल अपनी ईथियन जिहड़ी आ उह 800 ml दी रिकमेंडेशनस जिहड़ी अपनी दित्ती गई है, 100 तों 125 लीटर पानी दे विच घोल के।
ਤੇ मैं किसानों नूं जरूर कहना चाहूँगा कि अपने खेतों के जिन्हां दे हजे फुल फलाका नहीं भी आया नेड़े 55-60 दिनों के नेड़े तेड़े जिहड़ा है फुल फलाका जे आ जाता है तो उस टाइम ते की आपां नूं अपने खेत दे विच जिहड़े फेरोमोन ट्रैप आ वह भी जरूर लगाने चाहिए जिहदे लाउण दा आपां नूं इह मकसद की है कि जिहदे नाल आपां नूं पता लग जाएगा कि अपने खेत दे विच जिहड़ा वह गुलाबी सुंडी दा जिहड़ा वह पतंगा आ गया है तो पतंगे तो बाद आप जज कर सकेंगे कि अपने खेत के सूडी आने के जड़े आसार बन गए हैं तो उस तो बाद अकॉर्डिंग जी जी सिफारिश अनुसार जो स्प्रेया आप करा तो मैं तो मीडिया के माध्यम राही यही कहना चाहूँगा कि सारे किसान वीर जिन्हों का नरमा जोड़ा अगेता है या 55-60 दिनों के नेड़े तेड़ हो गया तो अपने खेतों का ध्यान जरूर रखन क्योंकि यह सूडी जी है गुलाबी सूडी ये फुलां दे टाइम ते ही अटैक करती है तो इहदा जिहड़ा मेन भोजन है वह नरमा ही है तो फुलां दे उत्ते जे अटैक करूगी तो अगे नैक्सट की है इन्हें जदों अपनी बोल बननी है टिंडे बनने उहदे विच एंटर हो जाना है आपां नूं उस टाइम ते नहीं पता लगना तो आपां नूं की है फुलां दे टाइम ते ही इहदा जिहड़ा डेली सर्वेखण भी करना पऊगा तो अपने जिहड़े है खेतों का ध्यान रखना पऊगा। अज की सूचना मिली सी तुहानूं? अज जी पिंड दे विचों आपां नूं तेलूपुरा दे विचों फोन आया सीगा कि नरमे दे विच की है गुलाबी सूडी का जड़ा वो अटैक हो गया तो असी की है मौके पर वेख के भावें अज ऐतवार सीगा ठीक है फिर भी असी मौके पर हाजिर होए हाँ तो आके देखिया कि वाकया ही विच जड़ा गुलाबी सूडी का अटैक है तो किसान नूं जो भी यूनिवर्सिटी दी सिफारिश के मुताबिक स्प्रेयां ने उन्हां बारे जाणू करवा दिता गया।